कुछ भी हो सकता है। वन टू अरे भाई हो गया आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज यार आप पहले आप लोग जाकर उसे देखो। और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने उसे देख लिया होगा क्योंकि काफी ज्यादा दिनों के बाद स्मार्ट बाई का वीडियो आया, इसलिए आप लोग सभी ने देख ही लिया होगा। पर जिस किसी ने भी नहीं देखा प्लीज़ यार जाकर जरूर देखकर आना। और साथ साथ देखने जा ही रहे हो तो अगर आपने लाइक भी नहीं किया स्मार्ट बाई की वीडियो को तो प्लीज़ यार लाइक भी करके आना, क्योंकि स्मार्ट बाई ने फिर से लाइक एम दिया है जो कि 300K लाइक्स का, तो जरूर से कर देना। और आज की ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ हिडन डिटेल देखने वाले हैं उसी वीडियो में से, और कुछ थ्योरीज वगैरह भी लगा के देखेंगे, तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 55K सब्सक्राइबर के लिए काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज है, तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली हिडन डिटेल की ओर, तो उसे देखने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग पहले इस क्लिप को देख लो। इसके अंदर ना कॉमन से एक हिडन डिटेल छुपा हुआ है जिसे आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, तो आप लोग पहले क्लिप देख लो फिर उसके बारे में बातें करते हैं। करना हमारे पास टाइम नहीं है भाई, बस कर रहा हूँ लो कर दिया गाइस, अभी मरना मत प्लीज। ये मत करो यार, ओह माय गॉड भाई बहुत बड़ी मेज है तो यार, शिट मैन, ओ शिट गाइस। मैं तुम लोगों ना ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इस टाइप की मेज के अंदर पहले भी गया हुआ हूँ, बट वो थोड़ी सी अलग थी, ऐसी फील नहीं आ रही हिमलैंड्स वाली, ओ माय लाइक वो दूसरे वाली। आपको फिर क्लूज तो बताऊंगा ना जितने भी। नहीं 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 गाइस, अगर आप लोगों ने इस क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखा है ना तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्मार्टी बाइक का इन्वेंट्री के अंदर आप लोगों को देखा होगा एक एरो आ जाता है जो कि कोई पोशन लगा हुआ वाला एरो था, और उसके साथ एक एमरेल्ड भी आ जाता है। देखो कि हम लोग एमरेल्ड को सोच सकते हैं कि किसी ने अगर मारा होगा कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह तो एमरेल्ड वगैरह दे दिया होगा, पर गाइस आप लोगों को पता होगा कि एरो जो है इजीली नहीं मिलता है, जो कि पोशन वाला एरो होता है वो नहीं मिलता है। तो गाइस ये तो थी पहली हिडन डिटेल, अगर क्या आप लोगों ने नोटिस किया था भी या फिर नहीं किया था मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बता देना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हिडन डिटेल की ओर। उससे पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना एक क्वेश्चन होगा कि जो स्मार्टी भाई और उसके टीम जो है पूरे टीम का आप लोगों को पता होगा कि स्किन जो फेड हो चुका है, अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उन लोगों ने कोई टाइम ट्रैवल वगैरह नहीं किया है, मशीन द्वारा टाइम ट्रैवल किया है नहीं, तो क्यों हुआ आप लोगों की भी क्वेश्चन होगा। तो देखो इस ये चीज़ स्मार्टी बाई ने खुद बता दिया है, पर अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया क्यों हुआ है तो मैं आपको स्मार्टी बाई क्लिप दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों हुआ है उन लोग का स्किन जो है फेड हो गया। वो हुआ क्या टाइमलाइन ठीक करने से मेन? अरे देखो देखो देखो, आप ये मान के चल लो जैसे हम लोग टाइम में पीछे जाते थे कैसे, अपनी टाइम मशीन के थ्रू, पर हम लोग टाइम मान के चलो आप 2 साल पीछे जाओगे टाइम मशीन के थ्रू, तो क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे ड्रीम बॉय होगा, एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे, एक और एग्जिस्ट करेगा ड्रीम बॉय। लेकिन आप हो सकता है कि वो उस 2 साल में उसने जितनी गड़बड़े करी आप उसको ठीक कर लो, राइट? ये तो होगा मैनुअल वे, बट जो टाइम जिस बंदे ने इस यूनिवर्स के अंदर बनाया हुआ ना, उस बंदे ने एक मैनुअल रीसेट का बटन बनाया हुआ था। सपोज कि अगर टाइमलाइंस के अंदर किसी भी टाइप की गड़बड़ होगी, जैसे अभी क्या हुआ था, टाइमलाइंस कोलैप्स हो गई थी अलग अलग यूनिवर्स की, हो सकता है कि टाइम में मैनिपुलेशन हो जाए, टाइम को आगे पीछे कोई कर ले, तो जिस भी टाइप की टाइमलाइन में गड़बड़े होगी हमारे एमलैंड के यूनिवर्स के अंदर, जितने भी ब्रह्मांड है यहाँ पे सारे के सारे के अंदर, तो उसका एक मैनुअल रीसेट बटन था, जिससे क्या हो जाएगा जहां से भी गड़बड़े होनी स्टार्ट हो जाएगी टाइम वहां से एकदम नॉर्मल हो जाएगा, पूरा पैरेलल हो जाएगा, ऐसे लाइन में चलेगा अपने हिसाब से, मतलब जो वो नॉर्मली चलना चाहिए था वैसा ही चलेगा। एंड जहां पर हम लोगों ने वो गड़बड़ी स्टार्ट करी हुई है ना, लाइक टाइमलाइन की, वहीं पर हम लोगों को उसका टेलीपोर्ट करवा दिया बाय द वे। बात ये, ओ वेट अ सेकंड, कौन करेगा? मतलब हमारे जो बाहर के जो होगा लालाज आए थे यहाँ पे 1000। देखो गाइस काफी सारे लोग समझ गए होंगे पर काफी सारे लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, तो उन लोगों को मैं बता दूं, तो देखो स्मार्टी बाई ने ऐसा बोला कि जहां पर टाइमलाइन गड़बड़ स्टार्ट हुआ था वहीं से ही ठीक हो गया। मतलब कि आप लोगों को बताओ कि स्मार्टी भाई बहुत आगे थे टाइम के, जो भी ठीक करने गए थे पूरे टीम उसके, जो भी उस जगह था ना सीधा वहाँ से इन लोगों को पास्ट में मतलब टेलीपोर्ट कर दिया एक तरीके से कह सकते हो। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्मार्टी भाई और उसकी पूरी टीम ने टाइम ट्रैवल कर लिया। अब देखो इस टाइम ट्रैवल किया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्मार्टी भाई फिर से उस लेक के अंदर जाएंगे और उसकी टीम पूरे जाएगा तो फिर से उन लोग का स्किन जो है सही हो जाएगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो पर मुझे नहीं लगता कि फिर से इन लोग का स्किन ऐसा ठीक होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना इन लोग का स्किन जो कुछ ज़्यादा ही फेड हो चुका है पहले के मुकाबले, अगर स्मार्टी बाई को देखोगे तो मुझे तो यही लग रहा है कि उन लोग का कुछ नया तरीका होगा इन लोग को स्किन जो है ठीक करने का। और आपको क्या करना इस स्किन फेड हो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बता देना। तो हम लोग बात करते हैं हिडन डिटेल के बारे में। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो पर अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया
तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर से कर दो यार, लाइक करने में कोई कंजूसी मत करो यार प्लीज़ यार, एक बार सभी लोग लाइक बटन दबाओ। हाँ, आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, तो हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी एक क्लिप दिखाता हूँ, तो उस क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखना, इसके अंदर हिडन डिटेल छुपा हुआ है। तो पहले आप लोग इस क्लिप को देखो, फिर हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। पे भाई पोलर बेयर्स को दो बंदे यहाँ पे उसके साथ आए हुए लाइक राइड करते हुए। ओह माय गॉड, स्ट्रेस पोलर बेयर को राइड करे, क्या हो रही है यहाँ पे? रुको, यहाँ पर एक चेस्ट है। अरे भाई तुम लोग तो सेफ हो ना एकदम, कोई दिक्कत की बात तो नहीं तुम्हारे लिए? मुझे कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, मैं अकेला बचाऊ मतलब की। ओ भाई मुझे यहाँ पर आर्मर का एक और पीस भी मिला, बहुत बढ़िया, एक डायमंड मिला। वैसे तो चलो दो डायमंड हो गए, मैं तलवार बना सकता हूँ इस समय, बट वुड नहीं है। खैर छोड़ो, मैं टाइम स्टॉप करके किसी को भी मार सकता हूँ, दिक्कत क्या है? Okay, दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे सर्वाइवल सीरीज की ऑन कर रहे हो जल्दी। तो यार आप लोगों ने इस क्लिप को देख लिया और आपको पता चल गया होगा इसके अंदर कौन से हिडन डिटेल है, और नहीं पता चला तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पूरे वीडियो का टाइम देखा होगा कि स्मार्टी बैग स्किन जो था, जो न्यू बंदा था ना जो हिमलैंड को बचाने वाला था, उसी का स्किन था। पर आप लोग इस क्लिप में देखोगे तो यहाँ पर हो जाता है स्मार्टी बैग खुद का अपना स्किन पहना था। तो क्या है स्मार्टी बाई का स्किन कभी कभी चेंज हो रहा है, इसका अब क्या लॉजिक है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसके पिछले वाले एपिसोड देखे ना, एपिसोड 19, उसके अंदर ना पूरी तरीके से कह सकते हो कि स्मार्टी बाई अपना ही स्किन पहना हुआ था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी जहाँ जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद वीडियो आ रहा हूँ, तो हो सके वीडियो की यूट्यूब की रीच कम हो जाए, तो प्लीज़ यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।